हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो फाइनली आज एक न्यू वीडियो के साथ हम लोग आए हुए हैं और ये हमारी स्टडी बेसिक पर ही है। और हम लोग इसमें जानने वाले हैं कि बेसिकली इग्नू के जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, क्योंकि इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी है, यहाँ सारी जो प्रक्रियाएँ होती है, जितने भी वर्क्स होते हैं यहाँ पर, सारे ऑनलाइन करने पड़ते हैं। तो बेसिकली हमें एक जो है थोड़ा बहुत नॉलेज रखना पड़ता है, क्योंकि हमें ऑनलाइन ही सारे फॉर्म फिलअप करने पड़ते हैं, सारे रिजल्ट्स देखने पड़ते हैं, और हमें स्टेटस अलग अलग चीज़ के, जैसे कि बुक्स के स्टेटस, एडमिशन स्टेटस, ये सारे चीज़ चेक करने होते हैं। तो फाइनली आज जो है हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे, और मैं ये आपको लाइव करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये मैं अपने मोबाइल और लैपटॉप दोनों के माध्यम से आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप आसानी से जो है अपनी सारी एक्टिविटीज़ को चेक कर सकते हो। और यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, एक मैंने यहाँ पे बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है, तो बेसिकली मैं उन्हीं के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। और वो इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको 3 साल के ग्रेजुएशन के दौरान लगभग 3 से 4 बार इन सभी चीज़ों को आपको दोहराना पड़ता है और चेक करना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं, अभी बताता हूँ मैं कि बेसिकली कौन कौन से इम्पोर्टेंट थिंग्स होते हैं जो हमें ऑनलाइन जानने की ज़रूरत है और हमें ये सारी चीज़ों को सीखना चाहिए। तो चलिए अभी चलते हैं बोर्ड पर। तो देखिए, यहाँ पे जैसा कि लिखा है, इग्नू के सभी अपडेट्स ऑनलाइन कैसे देखें। इग्नू में जितनी भी अपडेट्स आती है, चाहे वो रिजल्ट को लेके हो, ग्रेड कार्ड को लेकर हो, ये एडमिशन को लेकर हो, बुक के स्टेटस को लेकर हो, ये सारी चीज़ कौन मतलब कैसे हम लोग चेक करेंगे, ये चूँकि मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था और उसमें आपको मैंने एक लिंक दिया हुआ था, एक वेबसाइट का नाम बताया हुआ था। अगर आप हमारी पहले की वीडियो नहीं देखे हो तो आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हो, ठीक है। हमारी प्लेलिस्ट में बहुत सारी इग्नू की वीडियोस हैं और हमारे साथ आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में। तो चलिए अभी यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला जो हो जाता है हमारा एडमिशन स्टेटस, ठीक है। एडमिशन स्टेटस बेसिकली उन बच्चों के लिए होता है जो न्यूली जो है ग्रेजुएशन के लिए या फिर एमए के लिए इग्नू में एडमिशन लेते हैं। दिक्कत क्या हो जाती है उन्हें ये जानने में कि एडमिशन स्टेटस अपना चेक कैसे करें। तो ये भी बेसिकली एक वेबसाइट से ही चेक होती है, जो है मेनली जो इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट है, तो उसमें मैं जाके आपको दिखाऊंगा कि कैसे चेक करना है। तो ये एडमिशन स्टेटस हो गया सबसे पहला चीज़, जो बेसिकली जो एंट्री लेते हैं ग्रेजुएशन में उनके लिए ये है इम्पोर्टेंट सारा चीज़। दूसरा है आप प्रोफाइल कैसे चेक करेंगे। प्रोफाइल में बेसिकली क्या होता है, प्रोफाइल में मेनली मेंशन रहता है कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट को ऑप्ट किया हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, मैं थोड़ा सा शॉर्ट नॉलेज के लिए लिख देता हूँ। सबसे पहले प्रोफाइल में रहता है सब्जेक्ट जो आपने ऑप्ट किया हुआ है, ठीक है, जो आपने चूज किया हुआ है सब्जेक्ट। दूसरा चीज, आप पास हो उन सब्जेक्ट में या फेल हो, ठीक है। तीसरा चीज जो रहता है, आप यहां से जो है एनी ग्रीवेंस दे सकते हो, ठीक है। ग्रीवेंस मतलब हुआ कि अगर आपके फॉर्म फिलअप में कोई गलती हो जाती है आपके एडमिशन लेते वक्त, या फिर आपने मान के चलिए आपको ऑनर्स से कोई भी, जैसे कि आपने हिस्ट्री ऑनर्स करना है, ठीक है, आपको हिस्ट्री ऑनर्स करना है, लेकिन इग्नू में अभी एक सिस्टम है क्या कि बीए जनरल हो जाता है, जैसे कि ये आपका बीए ऑनर्स में आ जाएगा, ठीक है, ये बीए ऑनर्स में आ जाएगा आपका। लेकिन कभी कभी होता है कि इग्नू में आप हिस्ट्री के साथ साथ कोई बच्चे जो है फिजिक्स भी रख लेते हैं और अदर सब्जेक्ट भी रख लेते हैं, तो बेसिकली उनका जो हो जाता है ये हो जाता है बीए जनरल, ठीक है, बीए जनरल हो जाता है। तो इसको चेंज करने के लिए हमें बेसिकली हमारे जो है प्रोफाइल की ज़रूरत पड़ती है। प्रोफाइल में जाके हम ग्रीवांस देने के बाद वहाँ से ऑनलाइन जो है कुछ प्रक्रियाएँ होती है उसके द्वारा हम चेंज करते हैं। तो ये हो जाती है हमारी प्रोफाइल। तीसरा हमारा असाइनमेंट स्टेटस। असाइनमेंट आपको साल में 3 बार देने होते हैं, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सबके असाइनमेंट 100 मार्क्स के होते हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मैं आप पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, जो भी एग्जाम स्पेशल वीडियो हमने अपलोड किया है सभी में मैंने बताया कि असाइनमेंट को जो है मतलब कैसे बनाना चाहिए, या फिर उसमें जो क्वेश्चन है उसको हमें बेसिकली अपने से ही सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन उससे 2 से 3 मैच कर जाते हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट स्टेटस, आपने असाइनमेंट जमा दिया है उसका स्टेटस क्या है, ये भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तीसरा है बुक स्टेटस। जिन्होंने बुक के सॉफ्ट कॉपीज़ के लिए अप्लाई किया होता है उनके लिए एक्स्ट्रा फीस देना पड़ता है उन्हें री रजिस्ट्रेशन या फिर एडमिशन लेते वक्त।
तो बुक की जो स्टेटस होती है, बुक कहाँ तक पहुँचा है, हमारे पोस्टल एड्रेस पे है या फिर हमारे स्टडी सेंटर पे ही रह गया है, तो ये बेसिकली यहाँ से बुक स्टेटस से जानकारी हमें मिलती है। अगला चीज़ है हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म। इग्नू में जब आप मान के चलो आप फर्स्ट ईयर में हो, आपने फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट्स वहाँ पेपर्स जो है सबमिट कर दिए हैं, इसके बाद जो है आपको एग्ज़ाम देने के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरने होते हैं। तो एग्जामिनेशन फॉर्म जब भरते हो तो वहाँ से आप कैसे इग्नू के ही वेबसाइट से जो है ऑफिशियल वेबसाइट से भर सकते हो, वहाँ पे आपके लिंक आ जाते हैं, तो लिंक से जाके आप जो है वहाँ पे ये कर सकते हो, वो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। तो एग्जामिनेशन फॉर्म भी यहीं से फिल हो जाते हैं। अगला है हमारा एडमिट कार्ड। एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो जाने के बाद आपको एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के लिए इशू किए कराए जाते हैं, तो ये एडमिट कार्ड भी आप जो है इग्नू के उसी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो, तो इसके लिए ये भी ज़रूरी है आपका। अगला है हमारा रिजल्ट। एडमिट कार्ड इशू होने के बाद आप जब एग्ज़ाम दे देते हो तो कुछ दिन के बाद रिजल्ट इशू होना स्टार्ट हो जाते हैं। इग्नू में बेसिकली रिजल्ट एक बार में ही पब्लिश नहीं होता है, ये आपको 2 से 3 टाइम्स में हाफ हाफ रिजल्ट करके पब्लिश दे कर देते हैं, ठीक है। तो आप एडमिट कार्ड के सॉरी रिजल्ट के सेक्शन में जाके वहाँ से रिजल्ट चेक कर सकते हो, पास हो या फेल हो। पास होने से वहाँ कंप्लीटेड लिखा जाता है आपके रिजल्ट में, ठीक है। और अगर पास आप नहीं कर पाते हो तो नॉट कंप्लीटेड ये लिखाता है, ठीक, आपके रिजल्ट वाले सेक्शन में। उसके बाद ग्रेड कार्ड है। ग्रेड कार्ड बेसिकली जो है, देखिए ग्रेड कार्ड हमारा ओवरऑल कह सकते हैं कि एक मार्कशीट के जैसे होता है, ठीक है। आप जैसे जैसे आप जो है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सारे सब्जेक्ट में आप पास करते जाओगे, ग्रेड कार्ड में उन सभी सब्जेक्ट के, जैसे कि मान के चलिए एक सब्जेक्ट है FST 1, ठीक है, दूसरा है BSHF 1, ठीक है, तो ये दोनों BSHF 101, तो ये दो सब्जेक्ट हैं बेसिकली हमारे। तो ग्रेड कार्ड में जो है आपको जो सबसे पहले यहाँ पे आपके असाइनमेंट्स के नंबर जो है शो कर जाएंगे, जैसे कि आपने असाइनमेंट्स में 50 मार्क्स लाए हैं, FST 1 में इसमें 70 मार्क्स लाए हैं, ये शो कर जाएंगे। दूसरे जो है बहुत सारे सब्जेक्ट्स में लैब लैब के लिए भी मार्क्स वहाँ पे ऐड होते हैं, तो लैब 1 लैब 2 इस तरह से वहाँ पे आपका रहता है। अगर आपके सब्जेक्ट में लैब्स नहीं हैं तो वहाँ पे बेसिकली ये नहीं होगा, वहाँ पे आ जाएगा उसके बाद थ्योरी, ठीक है, थ्योरी। तो थ्योरी में जो है आप पास करते हो या नहीं करते हो, जैसे कि आपने इस सब्जेक्ट्स में FST 01 में ये 100 मार्क्स की होती है, इसमें ले आया है आपने 23 नंबर और इसमें जो है 56 नंबर। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया कि ये अगर आप पास कर जाते हो तो यहाँ भी स्टेटस जो है शो करेगा, स्टेटस ये करेगा कंप्लीटेड, और अगर आप पास नहीं कर पाते हो तो नॉट कंप्लीटेड यहाँ पे शो करेगा। तो बेसिकली एक जो है यहाँ पे आपके सारे स्टेटस को शो कर दिया जाता है कि आप किस सब्जेक्ट में पास हो, किस सब्जेक्ट में फेल हो, कौन से असाइनमेंट, कौन से सब्जेक्ट में आपने पास किए हैं, किस में फेल किए हैं आपने। तो आप इसके बाद जो होता है हमारा ग्रेड कार्ड, आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। आप जब 3 साल के ग्रेजुएशन को पूरा कर लेते हो तो ग्रेड कार्ड में आपके जितने भी सब्जेक्ट आते हैं सबके साइड में स्टेटस में कंप्लीट लिखा जाता है, ठीक है। आप जैसे ही ये कंप्लीट सारा सारे सब्जेक्ट्स के साइड में लिखा जाएगा, तो इसके बाद जो है मार्कशीट जो होती है वो आपको बाय पोस्ट आपके घर तक भेज दी जाती है इग्नू के द्वारा। तो ये होती है हमारे ग्रेड कार्ड की ये जो मतलब क्या उपयोग। इसके बाद री रजिस्ट्रेशन आता है। री रजिस्ट्रेशन हर 1 साल के बाद आपको कराना पड़ते हैं। जैसे ही आपने एग्ज़ाम दिया तो नेक्स्ट सेकेंड ईयर के लिए आपने री रजिस्ट्रेशन कराया, फिर सारे आपको सब्जेक्ट ऑप्ट करने होते हैं, उसके बाद फी पे करना पड़ता है और आप सेकेंड ईयर में चले जाते हो। उसके बाद इसी तरह से सेकेंड ईयर के जब एग्ज़ाम दे देते हो आप, उसके बाद थर्ड ईयर के जो है दिसंबर या फिर जुलाई सेशन में री रजिस्ट्रेशन होते हैं और फिर से आप एक साल प्रमोट करते हो, ठीक है। तो ये री रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस द्वारा होता है। अगला है मार्कशीट। तो मार्कशीट मैंने बता दिया, जैसे ही आपके ग्रेड कार्ड में सभी सब्जेक्ट के बाद कंप्लीट एंड ऑल ऑल कंप्लीटेड शो करने लगेगा तो आपके मार्कशीट को आपके पोस्टल एड्रेस के द्वारा आपके होम तक डिलीवरी दे दी जाती है। तो ये थी हमारी बेसिकली थोड़ी सी नॉलेज इग्नू के बारे में। अब चलिए अभी चलते हैं और दिखाते हैं कि आपको इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा इन सभी एक्टिविटीज़ को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं या फिर कैसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे ले आया हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है ignu.ac.in, ठीक है। आप यहाँ पे जाके यहाँ पे देखिए नीचे जाते हैं तो यहाँ पे सारे जो भी इसके जो अपडेट्स होते हैं यहाँ पे आप शो करता है। यहाँ पे जैसे कि देखिए ऑनलाइन एडमिशन जिसको लेना है आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक जो है देखिए यहाँ पे कौन से प्रोग्राम के लिए आपको जो है यहाँ पे एडमिशन लेना है, ये जो है
आपको यहाँ पे शो करने लगती है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है द लास्ट डेट ऑफ प्री रजिस्ट्रेशन फॉर द जनवरी 2023 सीजन हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 10th फरवरी। ठीक है, जिन्होंने मतलब 2023 सेशन के लिए जनवरी में जिनको री रजिस्ट्रेशन कराना है वो जो है 10 फरवरी तक एक्सटेंड कर दिया गया था। तो आप यहाँ से जाके आप री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इस पर क्लिक करके। ठीक है, और अगर आपको जो है न्यू एडमिशन लेना है तो आप यहाँ पे जाके एडमिशन लिंक फॉर ODL प्रोग्राम में यहाँ पे ओके करके आप इस तरह से एक पेज खुल जाएगा। और पेज खुलने के बाद जो है यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे जाके आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैं बैक चलता हूँ और कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ। आप एडमिशन जैसे ही ले लेते हो तो भी उसके बाद भी बहुत सारी रहती है चीज़ें जिसको आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देखिए, जैसे कि यहाँ से आपको मैंने बताया, यहाँ पे देखिए रिजल्ट सेक्शन है, डाउनलोड सेक्शन है, ज्ञानकोश। ये सेक्शन जो है बेसिकली इग्नू के से रिगार्डिंग जो है वहाँ पे पढ़ाई मतलब इग्नू के कुछ जो है कंटेंट्स आपको वहाँ पे ऑनलाइन मिल जाएंगे, जैसे कि बुक्स वगैरह। ठीक है, तो ई ज्ञानकोश से आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब अगला आ जाता है हमारा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एक सेंसल सेक्शन दिया हुआ है इनरोल्ड स्टूडेंट्स का, ये इसमें इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये उन लोगों के लिए, जैसे ही आपने एडमिशन लिया तो आपको आपको ईमेल आपके ईमेल आईडी पे जो है इनरोलमेंट नंबर भेज दी जाती है इग्नू के द्वारा। तो आप उस में जो है उस इनरोलमेंट नंबर को आप यहाँ पे डाल के, आपके प्रोग्राम और डेट ऑफ बर्थ को डाल के जो है आप अपने प्रोफाइल में लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक बच्चे का यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर डाल के दिखाता हूँ आपको। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि आप देख लें ताकि आपको भी आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसा कि ये खुल के आ गया है हमारा पेज, इसमें कि इसमें पूरी डिटेल जो है हमारी शो करेगी। ये एडमिशन स्टेटस यहाँ पे सारा जो है हमारा वो दिख जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, स्टडी सेंटर कोड वगैरह। और अगर मैंने कोई चेंज अपने किए हैं मतलब 3 साल के ग्रेजुएशन के दौरान, तो यहाँ पे उसका स्टेटस भी शो कर जाएगा। अगला जो है कोर्स जो जो भी मतलब मैंने रखा था या फिर इन्होंने जो जो भी कोर्स रखा था 3 साल के दौरान, उन सभी जो है सब्जेक्ट कोड को भी यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। ठीक है, और इनमें कौन से कंपलसरी थे और कौन से इलेक्टिव सब्जेक्ट्स थे, ये भी सारे यहाँ से आपको शो कर जाएगा। यहाँ से आप इसे प्रिंट आउट भी कर सकते हो। आगे यहाँ पे रिजल्ट, देखिए रिजल्ट सेक्शन आता है, यहाँ से आप ग्रेड कार्ड में जा सकते हो, टर्म एंड रिजल्ट में भी आप जा सकते हो। स्टडी मटेरियल स्टेटस देखिए आप यहाँ से चेक कर सकते हो, इसे इस पर क्लिक किया मैंने। ठीक है, तो अभी ये इरर रिकॉर्ड दिखा रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद जो है जब आपका री रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आप यहाँ से अपने स्टेटस को जो है चेक कर सकते हो। देखिए यहाँ से असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस पे जाके आप असाइनमेंट के स्टेटस को चेक कर सकते हो, और यहाँ पे टर्म इन एग्जाम फॉर्म सबमिशन स्टेटस को भी आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए जैसे कि रिजल्ट सेक्शन में जाके रिजल्ट देख सकते हो, और मैं यहाँ पे जैसे कि ग्रेड कार्ड है ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप लोग कैसे अपने असाइनमेंट्स के मार्क्स को और रिजल्ट के मार्क्स को यहीं से चेक कर सकते हो। इसी के साथ साथ मैं और थोड़ी चीज सी बातें बता देता हूँ, जैसे कि किसी का अगर इग्नू का आईडी कार्ड खो जाता है तो देखिए यहाँ पे इग्नू आईडी कार्ड ओल्ड स्टूडेंट लिंक यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, तो इस पर क्लिक करके जो है आप एक यहाँ से अपनी एक अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो है यहाँ से आप यूज़र नेम पासवर्ड देके, ठीक है, आप यहाँ से अपने आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। अब चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि प्रीवियस ईयर, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जिनको जानने होते हैं आप हमारी चैनल से भी मिल सकते हैं आपको, और यहाँ पे प्रीवियस ईयर टर्म एंड क्वेश्चन पेपर यहाँ से भी आप उसे चेक कर सकते हो। ठीक है, असाइनमेंट पेपर को भी आप देख सकते हो। उसके बाद देखिए फॉर्मेट्स जो होते हैं री रजिस्ट्रेशन के, एड्रेस चेंज के, ठीक है, टर्म इन एग्जाम के, री एडमिशन के, ये सारे जो है फॉर्मेट्स जो आपको यहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, अगला जो है हमारा ये, चलिए ले चलता हूँ मैं आपको ग्रेड कार्ड पे, ग्रेड कार्ड इंपॉर्टेंट है, तो चलिए ग्रेड कार्ड पे मैंने क्लिक किया, और जैसे ग्रेड कार्ड पे क्लिक किया मैं जो है फाइनली वेट, यहाँ से ग्रेड कार्ड हमारा जो है नहीं खुल रहा है, तो मैं जो है आपको इससे लॉग आउट करके फिर से आपको दिखाता हूँ खोल के। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके आप अपने प्रोफाइल में जा सकते हो, प्रोफाइल से ही बहुत सारी चीज़ एक्टिविटीज आपको यहाँ से हो जाएगी, आप यहाँ से कर सकते हो। तो इसके बाद मैं चलता हूँ आपको लेके, ठीक है, आपको लेके चलता हूँ आगे में। आगे देखिए यहाँ पे देखिए अलर्ट्स जो होता है यही हमारा नोटिफिकेशन सेक्शन होता है, यहीं से आप जो है आप अपने जो है जैसे कि देखिए सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर जून 2022 ऑफ इग्नू ऑनलाइन प्रोग्राम्स, देखिए यहाँ से ही आप अपने एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, आप क्लिक करोगे यहाँ पे, देखिए जैसे कि हॉल टिकट लिंक फॉर ऑनलाइन प्रोग्राम टर्म इन एग्जाम जून 2022, यहाँ से जाके आप यहाँ पे क्लिक करके एनरोलमेंट नंबर डाल के जो है अपना हॉल टिकट को ये कर सकते हो। यहीं पे देखिए री रजिस्ट्रेशन का भी लिंक आया हुआ है,
तो रजिस्ट्रेशन में भी यहीं से आप कर सकते हो। तो ये सारा चीज जो यहाँ पे अलर्ट सेक्शन होता है यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। देखिए उसके बाद ग्रेड कार्ड चेक करने का और एक तरीका होता है, आप रिजल्ट सेक्शन में जाओ। यहाँ पे रिजल्ट सेक्शन में जाने के बाद आप यहाँ पे नीचे साइड आओ, नीचे में देखिए कौन से मतलब किस चीज़ का रिजल्ट आपको चाहिए, रिटर्न, ओपन मैट, टर्म इंड, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ रहता है। तो आप यहाँ पे बेसिकली आप यहाँ से अपने इंट्रेंस एग्जाम के भी रिजल्ट चेक कर सकते हो, टर्म इंड एग्जाम के भी रिजल्ट चेक कर सकते हो। तो अगर आप एग्जाम देते हो तो यहाँ से टर्म इंड एग्जाम के रिजल्ट चेक करना। आगे है हमारा ग्रेड कार्ड, चलिए ग्रेड कार्ड पे क्लिक करते हैं। ग्रेड कार्ड पे क्लिक करने के बाद ग्रेड कार्ड का स्टेटस देखिए यहाँ पे देना पड़ता है कि कौन से चीज़ के लिए आप ग्रेड कार्ड चेक करना चाहते हैं। तो बीए के लिए मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। बीए करने के बाद जो है इनरोलमेंट नंबर देना पड़ता है, तो इनरोलमेंट नंबर मैं दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद प्रोग्राम कोड में भी मैंने बीए दे दिया, ठीक। अब आगे चलता हूँ और आगे मैं सर्च का बटन में ओके करता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया हमारा ये ग्रेड कार्ड, ठीक है। तो जैसे कि देखिए ग्रेड कार्ड में मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे कोर्स नेम दिया रहता है, यहाँ पे असाइनमेंट, टर्म इन थ्योरी, ठीक है, और यहाँ पे स्टेटस। तो देखिए इसका ये जो है हमारा यहाँ पे सारा जो है स्टेटस जो है कंप्लीट शो कर रहा है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ चूंकि सारा कंप्लीट शो कर रहा है, ये फाइनली जो है ग्रेजुएशन का पास आउट हो चुका है। तो ये जो है इनके यहाँ ये जो है मार्कशीट, इसके मतलब जैसे कि यहाँ पे सारा कंप्लीट लिखा गया, उसके बाद जो है मार्कशीट कुछ दिन में, सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर आपके घर पर भिजवा दिया जाता है, ठीक है। तो ये तरीका होता है, इस तरह से आप जान सकते हैं कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा है, इसका मतलब आप असाइनमेंट में और टर्म इन थ्योरी दोनों में पास हो, ठीक है। तो ये तरीका होता है, आप चेक कर सकते हो ग्रेड कार्ड के जरिए से अपने असाइनमेंट और जो है आपके रिजल्ट के थ्योरीज के मार्क्स को। तो बेसिकली ये सारे जो है एक्टिविटीज फॉलो मतलब गाइड होते हैं ignu.ac.in से, ठीक है। तो ये जो था ये हमारा वीडियो का जो मेन मकसद था, जो हमारा कि आपको एक बेसिक जानकारी दे देते हैं जिससे कि आप अपने ही मोबाइल से इन सभी एक्टिविटीज को आसानी से कर सको। तो गाइस हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल में हर तरह की इग्नू से रिलेटेड अपडेट्स जो है आपको मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ एग्जाम स्पेशल वीडियो, असाइनमेंट की वीडियो और जितने भी सपोर्ट हमारी तरफ से हो सकती है, आपके कमेंट बेसिक पर हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो पे। अभी हमारे चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।